हायर सेकेंडरी स्कूल सगरा का करोड़ों से बना भवन उद्घाटन होने से पहले ही गिरने लगा है। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण किया गया है, इसके बाद भी भवन क्यों गिरने लगा, ये जांच का विषय है। तय मापदंडों का पालन न होने से भवन बनते ही कई जगह से दरारें छोड़ चुका है। इतना ही नहीं, समयावधि पूरी होने के बाद भी भवन का उद्घाटन नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा धाराशायी हुए भवन को फिर से जोड़कर काले कारनामे को छुपाने का काम किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख विषय ये है कि जो भी टैंक का निर्माण किया गया है उसमें लोहे की जगह बांस का इस्तेमाल किया गया है। अगर करोड़ों के इस निर्माण की जांच कराई जाए तो लाखों का घोटाला सामने आ सकता है। आप देख रहे हैं सगरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सगरा बनाई गई है, जो ये मलयन टोला में विकास खंड रायपुर का चुलियान है। आज यहाँ पे एक नया भवन करीब 2-3 साल से बन रहा है और ये भवन जो अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, उद्घाटन के पहले ही ये पूरी तरह धराशायी हो गया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, इधर ये करीब 1 करोड़ की लागत से ये बनाया गया भवन, लेकिन ये उद्घाटन के पहले ही पूरी बाउंड्री जो इसकी स्कूल का जो पोर्चा है पूरी तरह धराशायी हो चुका है। और हो सकता है कि यहाँ अगर स्कूल उद्घाटन हो जाता और बच्चे बैठे होते तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। ये तो शासन प्रशासन का काम है। मैं अभी आपको और विजुअल दिखा रहा हूँ पीछे किस तरह स्कूल जो है क्षतिग्रस्त हुई है और गिर गई है। डुगरी में ये स्कूल है, स्कूल यहाँ पे बनाई गई है और करीब करोड़ों की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है और 3-4 साल से ये बन रही है। हालांकि ये स्कूल बन गई थी लेकिन इस बारिश में ये स्कूल पूरी तरह ढह चुकी है और एक बड़ी दुर्घटना होने से बहुत बहुत बाल बाल यहाँ के बच्चे बचे हैं। हो सकता है अगर स्कूल खुल जाती और बच्चे बैठे होते तो ये पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ पे, ये अभी काम यहाँ पे लगाए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? ये कैसे, ये दीवार गिर गई है? कब गिरी है ये नहीं पता, कब गिरी है ये। फिर से कितने दिन बाद ये काम यहाँ पे लग रहा है? ये परसों से लगा। कौन है ठेकेदार इसके? त्रिपाठी जी हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं त्रिपाठी जी करके हैं कोई, और इस तरह से घटिया निर्माण अगर करेंगे तो कैसे होगा, देश का भविष्य कैसे बनेगा। इसी तरह मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ कैमरामैन सिद्धू के साथ। ये आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है, यहाँ पे लैट्रिन टैंक भी बनाया गया है और लैट्रिन टैंक में जो है तो बांस की बल्लियां डाली गई हैं। आप देख सकते हैं कहीं बांस की बल्लियां डलती हैं, ऐसा भ्रष्टाचार शायद कहीं नहीं होता होगा जैसे आज ये सगरा क्षेत्र में भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। ये देख, कैमरामैन गुड्डू को कहूंगा कि इधर लाइव लोकेशन करें। तिवारी जी देखिए, पूरी तरह ये धराशायी हो चुकी है, इसको करोड़ों की लागत से बनाई गई है। ये लैट्रिन टैंक बनाया गया, देख सकते हैं आप, ये लैट्रिन टैंक है और लैट्रिन टैंक में बांस बल्ली की परत लगाई गई है। और ये भी देखिए पूरी तरह, अगर एक पानी और यहाँ पे आएगा तो पूरी तरह ढह चुकेगा। कहीं ना कहीं शासन को भी ये ठेकेदार लोग जो है चूना लगा रहे हैं, शासन प्रशासन को पूरी तरह चूना लगा रहे हैं। अगर घटिया निर्माण कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? मैडम ये भवन निर्माण हो रहा है, ये किस प्रकार कैसा भवन है? ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सगरा की हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग की निर्माण है। इसका कब कब से भूमि पूजन हुआ है? ये इसका भूमि पूजन 13/9/2018। किस लागत से निर्माण हो रहा है? इसकी लागत संभवतः शायद इसमें जो भूमि पूजन का इसमें है, इसमें आपको दिखेगी, इसमें दिया हुआ है लगभग 1 करोड़ के आसपास की इसके लागत बताई गई। ये विद्यालय भवन बनने के पहले ही चारों तरफ से धराशायी हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? ये अभी जो दिख रहा है इसमें कि आसपास का जो इन्होंने बना हुआ निर्माणाधीन की स्थिति है इसकी,
तो ये चारों तरफ से उसकी दीवारें या जो उन्होंने किनारे का हिस्सा बनाया है वो ढह रहा है, अभी बारिश में ढहा हुआ ढह गया है। लेटरिन टैंक भी बनाया गया है, उसमें बांस की बल्ली वगैरह भी लगी गई है। हाँ वो तो सामने आपको, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।